नमस्कार मित्रों, मैं फिर आ गया आप लोगों के कहने के अनुसार कि एक बार फिर आप सुपर नर्सरी का वीडियो बनाइए, जहां पर नई नई वैरायटी अब की बार आई हुई है। मैंने देखा कि सुपर नर्सरी में इस बार ऐसी ऐसी यूनिक वैरायटी आई है जो आपकी मलियाबाद के अंदर आपको किसी नर्सरी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी वैरायटी आई है, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ पर सुपर नर्सरी जो कि आप देख रहे हैं। और ये सुपर नर्सरी आप लोग कई बार पूछते हैं मेरे से एड्रेस, तो अगर आप लखनऊ से जैसे आ रहे हैं तो आप जरा अपना नर्सरी का एक बार एड्रेस बता दीजिए। सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ ये रही, ये नर्सरी के ओनर है नदीम भाई, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नदीम है और मेरी नर्सरी का नाम सुपर नर्सरी है। और अगर आपको मेरी नर्सरी पर अगर आना है तो नर्सरी हमारी बिल्कुल तिराहे पर है, बहुत आसान है, तहसील रोड कटती हुई है। आपको लखनऊ अगर आना है, लखनऊ से आना है तो लखनऊ से सीधा आप आएँगे अंडर पास के नीचे से आना है और बिल्कुल आपको दो सड़का मिलेगा, दो सड़के से आपको दो रोड मिलेंगी, उसके बीच में नर्सरी हमारी मिलेगी आपको। एक्चुअली मैं जैसे आपने बताया दो सड़का नीचे से, एक्चुअली मैं क्या जो आप सीधे बताइए कि जब आप लखनऊ से आ रहे हैं तो जब मलियाबाद जो मुसाजा गाँव है तो वहाँ से जो पुल ऊपर चढ़ रहा है उससे आपको नीचे हो जाना है। हाँ। पुल के ऊपर नहीं चढ़ना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल पुल, तो पुल के नीचे से आप बताइए आप। हाँ, पुल जो पड़ेगा पुल के नीचे सर्विस लेन से आपको आना है। जी जी जी, उसी के बीच में नर्सरी हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, पुल के नीचे बीचों बीच से नर्सरी स्टार्ट हो जाती है हमारी। अच्छा, आज हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को आपके पास ऐसी यूनिक चीजें आज दिखाई है जो कि मलियाबाद के अंदर आपको किसी के पास देखने को ना मिले। आज ऐसी ऐसी वैरायटी हमारा सब्सक्राइबर भाई देखना चाहता है कि कौन सी ऐसी वैरायटी सुपर नर्सरी किस लिए जानी जाती है, कि सुपर नर्सरी में अलग हट के कुछ चीजें होती हैं। आप वो चीजें मेरे को दिखाइए, आज क्या चीजें हैं आपके पास जो सुपर नर्सरी अपने आप में किन पौधों की वजह से विख्यात है। हाँ बिल्कुल, मैं हमारे पास जो जितने भी वैरायटीज हैं, जो एग्जॉटिक वैरायटी हमारे पास फ्रूट्स की हैं जी, तो वो हम आपको दिखाएंगे जरूर जी। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको फ्रूट्स की वैरायटी में से ब्रेड फ्रूट इसका नाम है जी। हाँ, इसका ब्रेड फ्रूट नाम है इसका। ब्रेड फ्रूट जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये गमले में हो जाएगा। हाँ, ये अगर चाहें तो, अगर गमले में लगाना चाहें, ग्रो बैग में लगाना चाहें तो आसानी से लगाया जाएगा आपका जी। और ये कितने बड़े गमले में लगाया जाए इसको? कम से कम गमले में लगाइए इसको 16 इंच से स्टार्टिंग करिए इसमें जी। कैसा फल होता है इसका? इसका फल बिल्कुल कटहल के तरीके से होता है जी, छोटा होता है फल जी और बहुत शानदार होता है, पत्ते बड़े होते हैं इसके बिल्कुल। अच्छा जी, देखने में अच्छा है, खाने में कैसा है? खाने में भी अच्छा है, क्योंकि इसका पत्ता ही जब देखने में इतना सुंदर है तो मैं समझता हूँ खाने में भी अच्छा होगा। खाने में बहुत अच्छा है। फिर और आप मेरे सब्सक्राइबर भाइयों क्या दिखाना चाहते हैं दूसरा, नेक्स्ट वैरायटी? हाँ, नेक्स्ट वैरायटी में दिखाने वाला हूँ आपको जी, ये है वेलवेट एप्पल जी। ये वेलवेट एप्पल है और ये वेलवेट एप्पल का जो फल होगा जी बिल्कुल ऐसे पर्सिमन होता है, पर्सिमन टमाटर के तरीके से उसी तरीके से होगा, मगर ये अलग होगा बिल्कुल। अच्छा हाँ। तो इसका फल किस टमाटर की तरह होगा? टमाटर की तरह होता है। अच्छा भाई, इसका रेट बता दीजिए जरा। हाँ, रेट इसका हमारा जो है 450 रुपए रेंज। 450 रुपए का पौधा है जी। अच्छा, और आपके पास क्या है? उसके बाद हमारे पास आपको नेक्स्ट वैरायटी में दिखाने वाला हूँ, यूनिक वैरायटी दिखाइए। हाँ, ये आया हमारे पास है लांगन की वैरायटी। हालांकि लांगन की वैरायटी हमारे पास आ चुकी है और भी है जी, रोबी लांगन, खाकी लांगन, ये हमारे पास व्हाइट लांगन। ये तो एक बार आएगा। अच्छा, सीजन की जो वैरायटी है वो अलग है वो। अच्छा हाँ, ये कितने रुपए का पौधा है? ये तो काफी बड़ा पौधा दिख रहा है, कितने बड़े पॉलीथिन में? इसका 1000 रुपए से स्टार्टिंग हमारे पास पौधा है जी, 1000 रुपए से स्टार्टिंग हमारे। अच्छा, 1000 रुपए से शुरुआत है जी। और दूसरी चीज दिखाइए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वैरायटी दिखाने वाला हूँ जी, ये हमारे पास आ गया है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन? हाँ, मैंगोस्टीन के हमारे पास इससे पहले भी हमारे पास ऑर्डर थे बहुत ज्यादा जी, तो उसके बाद हमारे पास खत्म हो गए थे, फिर ये दोबारा मैं इसके बाद से और स्टॉक लेके आया हुआ हूँ जी। तो और देख सकते हैं पौधा कितना शानदार बढ़िया है, बिल्कुल टैग भी लगा हुआ है जी। और पौधा इसका, ये मैंगोस्टीन तो हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कस्टमर इतना शौकीन है, उसे खुद पता है कि मैंगोस्टीन जो वैरायटी है बहुत शानदार होती है और गमले में लगाए या ग्रो बैग में लगाए उसके भी आराम से फ्रूट दे देता है वो जी जी। कितने रुपए का पौधा है ये? 550 का। 550 का यूनिक वैरायटी। और आपके पास नेक्स्ट क्या है? उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वैरायटी दिखाने वाला हूँ, ये हमारे पास आज की है, ये है मौसमी वेरिकेटेड। वेरिकेटेड मौसमी, देख लीजिए पत्ते जिस तरह इसके पत्ते हैं, देख लीजिए जैसे पत्ते हैं ऐसे ही फल होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके फल होता है इसका, बिल्कुल तरबूज तरीके फल होता है, जिस तरीके पत्ते हैं उस तरीके होगा। अच्छा, और बहुत शानदार और बड़ा फल होता है। अच्छा, ब्राइटी के विषय में तो आप बता रहे हैं, पर एक बात आप मेरे को बताइए जी, जो ब्राइटी मिलेगी सारी ब्राइटी असली होगी ना? बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी, 100% ओरिजिनल मिलेगी। क्योंकि हमने देखा है मलियाबाद के अंदर काफी लोग नकली ब्राइटी बेच रहे हैं सस्ता करके, बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्राइटी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? देखिए अभी कस्टमर हमारा जो जितना भी हमारे
भाई जो देख रहा हमारा व्यूअर्स हमारे कस्टमर हैं उनको ये भाई जो लवर्स होंगे इस पौधे के बारे में वैरायटी के बारे में उनको ये पता होगा कि ये वैरायटी में जो दिखा रहा हूँ ये रियल है या लोकल वैरायटी है, क्योंकि ये वैरायटी इसकी पहचान ही अलग है पत्ते का, वेरिएटेड वैरायटी। जी जी जी, जिस तरीके से इसका पत्ता होता है उसी तरीके से इसका फ्रूट भी होता है। जी। और बाकी लॉन्गन जो दिखाया हमने, जो मैंगोस्टीन दिखाया, जो मैंने वेलवेट एप्पल दिखाया, ये इनका अलग ही पहचान है, इनके अलग ही पत्ते होते हैं। जी जी, और आपके पास क्या है? उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेड सुरीनाम चेरी। रेड सुरीनाम चेरी, हाँ रेड सुरीनाम चेरी हमारे पास 3.5 फीट की हाइट में है। जी। और बढ़िया भी जो है फ्रूट भी देता है। और बाकी इससे पहले भी हम इसके पौधे ला चुके हैं और कस्टमर बहुत डिमांड थी इसकी हमारे पास। जी। तो इसका ब्लैक भी हमारे पास आने वाला है, ये रेड हमारे पास है। ये रेड है? हाँ ये रेड है। ये कितने रुपए का पौधा है? ये मात्र 350 रुपए का। 350 रुपए का, लगभग 4 फुट हाइट का पौधा दिख रहा है मेरे को। ये 4 फीट हाइट का पौधा है। पर ये बताइए, सारे पौधे अपने यहाँ क्लाइमेट में हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। जब ये पौधे हमारे पास यहाँ चल रहे हैं, हमारे क्लाइमेट चल रहे हैं, तभी इसकी डिमांड आ रही है हमारे पास। बैग मैंगो एक्सचेंज की है, रेड सोलिडम चेरी है, ये मौसमी वेरिएटेड हमारे पास तो मदर ही लगा हुआ था, पूरा मदर लगा था। जी। तो उसके बाद रेड वेलवेट एप्पल के जितने पौधे आप दिखा रहे हैं, इनके आपके पास बाग में मदर लगे हुए? हाँ बिल्कुल मदर लगे हमारे पास, इनके सबके मेरे पास मदर लगा। अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर आके आपके बाग में देखना चाहे बिल्कुल, तो वो आके देख सकता है आपके बाग में ये प्लांट है कि नहीं है? बिल्कुल, हमारे पास अगर आना चाहे वो हमारे बाग में या खेत में देखना चाहे तो ये हमारे पास सारे लगे हुए हैं। अच्छा, सारे उनके मदर लगे हुए हैं जिनमें फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इनकी नर्सरी जरा मैं आपको एक बार कैमरे में दिखा देता हूँ कि इनकी नर्सरी कितनी बड़ी नर्सरी है। और ये देख लीजिए कैमरे में, ये नहीं है कि केवल कुछ नर्सरी वाले यहाँ पर, इनके पास नर्सरी नाम की चीज़ नहीं है, केवल कुछ पौधे रखकर और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए और इनके पास में हर तरह के फ्रूट प्लांट। और आपके पास कौन सी वैरायटी है जो फ्रूट की, और जो एक्चुअली मैं नींबू की वैरायटी थोड़ा सा हमारे पौधों दिखाइए सब्सक्राइबर भाई को। अच्छा अच्छा, नींबू की वैरायटी दिखा दो। हाँ नींबू की वैरायटी ज्यादा दिखाइए। देखो मेरे पास ये जो है, ये हमारे पास जो वैरायटी है जी, इसका नाम है बारहमासी नींबू। बारहमासी नींबू? हाँ बारहमासी नींबू। अच्छा, इसकी खासियत मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए फल लगा हुआ है जी, ये फल बैठ चुका है, ये फल बैठ चुका है, ये फ्लावर दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बारहमासी नींबू ओरिजिनल, ये कागजी मिलेगा आपको। अच्छा, ओरिजिनल कागजी। अच्छा, मैं इसका कच्चा भी अगर फल काट के दे दूं आपको, इतना रसीला निकलेगा कि आपको पक्के में नहीं मिलेगा। जो बाजार में नींबू मिलता है, आप लोग नींबू लेते हैं जी जी, तो ये वही वाला नींबू है कि दूसरा नींबू? जी जी वही वाला नींबू है, मगर ये समझ लीजिए एक नए मॉडल के टाइम में आया है। अच्छा, जो आपको उससे हल्का साइज बड़ा मिलेगा। अच्छा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा और रसीला भी बहुत रहेगा। अच्छा ये बताइए कि अभी तो कोई बात नहीं है, जैसे कि जाड़े का टाइम अभी आने वाला है तो सभी नींबू में फल आ जाते हैं, क्या मई जून के महीने में इस नींबू में फल आएगा? हाँ देखिए ऐसा है, अभी जैसे कि इसके एक टाइम होता है हर चीज का, इसका भी एक टाइम रहता है। शुरुआत में अभी जैसे भी फ्रूटिंग फ्लावर देना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद फरवरी में भी फिर स्टार्ट कर देगा, फिर उसके बाद एक महीने में फिर स्टार्ट कर देगा। इस अच्छा, तरीके दो तीन बार ये करता है। इसमें फ्लावरिंग चलती रहेगी, फल आता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमको मई जून के महीने में नींबू। जी जी, जिस समय नींबू एक नींबू बाजार के अंदर 10-10, 15-15 रुपए का मिलता है, उस समय भी इसमें फल आएगा? बिल्कुल आएगा। असल में ये दिक्कत हो जाती है जब कस्टमर पास ये लगा रहता है, उस वक्त ये रहता है कि नींबू की जो है देखभाल या पानी ज़्यादा मात्रा में किसी में डाल दिया या देखभाल की वजह से, उस वक्त ये थोड़ी इतनी ज़्यादा हीटनेस पड़ जाती है कि इसमें फ्लावरिंग से लेकर हर चीज़ रुक जाती है। तो हालांकि थोड़ी दिन के लिए प्रॉब्लम होती है, हालांकि फ्रूटिंग निकलता रहता है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए गमले में हो जाएगा? हाँ गमले में आराम से लगाइए, गमले में, ग्रो बैग में, कहीं भी। अगर छत के ऊपर लगाना चाहता है तब भी लगा बिल्कुल सकता है? जो छत पे लगाना चाहेंगे वो आराम से लगा सकते हैं छत पे। अच्छा और ठीक है, और आप दिखाइए कितने रुपए का पौधा है? ये मात्र 100 रुपए का है। 100 रुपए का पौधा, फल लगा हुआ पौधा? फल लगा हुआ पौधा 100 रुपए का। ठीक है और दिखाइए। उसके बाद हमारे नई वैरायटी है? हाँ ये नई वैरायटी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं ये चीकू का कलेक्शन लगा हुआ है। जी जी जी, काला पत्ती चीकू। जी, ये हमारे पास अभी देखिए इसमें काले पत्ती चीकू में फल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पौधे। मैं यहाँ छोटे पौधे में दिखा देता हूँ। हाँ छोटे पौधे में ये देखिए, यहाँ पर छोटे पौधे में ये देखिए फल लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे पौधों में, यहाँ पर चीकू में फल लगा हुआ है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जितना इनके पास पौधा लगा हुआ है सब में चीकू में फल लगा हुआ है। और ये जो है ना बड़े में तो सबके यहाँ लगभग फल आपको मिल जाएगा। जी जी, पर छोटे ये कितने इंच पॉलीथिन में है?
ये कम से कम 8 इंच की है। 8 इंची पॉलीथिन के अंदर। ये कौन सा चीकू है? ये काला पत्ती चीकू है। काला पत्ती चीकू। अच्छा, इसमें खासियत दिखा दें आपको। जी जी। काला पत्ती की खासियत ये देखो कि इसमें फ्लावरिंग और फल अभी स्टार्टिंग है। जी, जैसे यहाँ पर फल लगा हुआ और यहाँ पर यह फ्रूट फूल बन रहा है। फूल बन रहा है, देखिए इसमें फ्लावर, देखिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पर यह एक फ्लावर यहाँ पर खिल रहा है। जी, ये देखिए नीचे इसके लिए, देखिए ये फ्लावर यहाँ पर खिल रहा है। खिल रहा है, ये देखिए, ये देख लीजिए फ्लावर खिल भी रहा है। तो और आपके पास ये कितने रुपए का पौधा है? ये मात इसके देखिए स्टार्टिंग हमारे पास 80 रुपए से स्टार्टिंग, 80 रुपए से स्टार्टिंग है। जी अच्छा, और इसके उसके बाद इसके साइज भी हमारे पास आपको और भी मिल जाएंगे। नहीं, वो तो देख रहा हूँ कि इससे बड़े बड़े साइज भी आपके पास, 5-5 फीट हाइट के भी पौधे हैं। अच्छा, इसके बाद में, उसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ आपको वियतनाम माल्टा। हाँ, वियतनाम माल्टा। देखिए मैं चल के आपको नर्सरी भी इनकी दिखा रहा हूँ। ये वियतनाम माल्टा देख सकते हैं, बिल्कुल 4 फीट की हाइट में है। जी, और इनमें अभी से फ्रूटिंग लगे थी। जी, अब ये फ्रूटिंग दे चुका है। अच्छा, अब ये फरवरी में नेक्स्ट फ्रूटिंग निकालेगा। ये अभी वियतनाम माल्टा है। ये वियतनाम माल्टा, ये तो ऑल टाइम होता है भाई जी। हाँ, ये ऑल टाइम होता है। हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ये निकाल चुका है। अच्छा, ये फरवरी से फिर स्टार्टिंग करेगा। फरवरी से फिर इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगी और इसमें फल बनना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, और साइज इसका बहुत शानदार साइज निकलता है। जी, और अभी से फल कम से कम 3-4 फल निकालेगा। अच्छा, हाँ, 3-4, इतने छोटी हाइट में, छोटी सी हाइट में इसमें अभी से 2-3 फल लगे थे इसमें। अच्छा 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 जी अच्छा। तो ये कितने रुपए का पौधा है वियतनाम माल्टा? ये वियतनाम माल्टा 200 रुपए का पौधा। 200 रुपए का इतना बड़ा पौधा? वहाँ तो 200 रुपए का। वाह, देख लीजिए नर्सरी का कमाल की। और ये ओरिजिनल वैरायटी है? ओरिजिनल वैरायटी मिलेगी इसका। हमारे पास एक और वैरायटी है जी, बारी वन माल्टा आपको मिल जाएगा। बारी वन माल्टा मिलेगा आपको जी। और माल्टा मौसमी भी वैरायटी मिलेगी आपको। मौसमी भी वैरायटी मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा जी, दिखाइए जरा। बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, 200 रुपए का माल्टा, ये ऑनलाइन आप कहीं भी ढूंढेंगे ना, पूरी आप बंगाल की नर्सरी में भी ढूंढेंगे, इतने हाइट का, इतनी हाइट का पौधा आपको नहीं मिलेगा। और वो भी वियतनाम माल्टा का, जो ऑल टाइम होता है। अभी आपको ये और कुछ वैरायटी दिखाएंगे। मैं इसीलिए मैं वीडियो में बहुत कम एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, जो शूट करता हूँ वो डायरेक्ट ही शूट करता हूँ, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं करता, कि जिससे कि आप लोग कहीं पर भी धोखा ना खा पाएं। ये देखिए, ये हमारे पास है बारी वन माल्टा। ये बारी वन माल्टा, इसमें हमारे पास पूरे फल से भरे हुए थे, लगे थे ये। जी, हालांकि फ्रूट्स लगे हुए ही आए थे हमारे पास। अच्छा, फल लगे हुआ। हाँ, आया था। ओरिजिनल डी मेरे पास ये रहेगा कि अगर कोई ये कह दे कि भाई आप जो, जैसे आपने सवाल किया कि हमारे पास पौधों में ओरिजिनल डी है, ओरिजिनल पौधा है, तो इसमें फ्रूट लगे हुए होते हैं। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इसका जो फर्क रहता है, ये बारी वन माल्टा में इसका चमनी बनती है इसमें। हाँ, पीछे सिक्के का निशान, सिक्के के निशान होता है इसका। जी, जी, जी। और जो आपका वियतनाम माल्टा होगा, हाँ, उसमें निशान, उसमें नहीं, निशान होगा। नहीं होगा जी। बिल्कुल, तो इसमें साल में एक ही बार फ्रूट आता है? एक ही बार फ्रूट आता है बारी वन में, साल में एक ही बार फ्रूट आता है। जी जी जी। और आपके पास क्या है जरा? उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला, ये वहाँ पर रखा हुआ चाइना 3 लीची रखी हुई है। जी, चाइना थ्री लीची। अच्छा, इसमें तो सुना कि गमले में ही फ्रूटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहें तो गमले में भी फ्रूटिंग दे सकते हैं। जी, देखिए कितने शानदार पौधे हमारे पास है, 2-3 फीट की हाइट में है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके देख सकते हैं। इसमें मतलब फ्रूटिंग जो है ना, गमले के अंदर हो जाएगी? बिल्कुल आराम से हो सकती है, आराम से। आप अगर चाहें तो गमले में इसको ग्रो बैग में लगाइए। जी, और ये छोटी हाइट में रहता है। अच्छा, बुशी प्लांट रहता है। बोनी वैरायटी है, पूरा भर जाएगा। ये कितने रुपए का पौधा है चाइना 3 लीची का? मात्र 200 रुपए का। 200 रुपए का लगभग 3 फीट हाइट का पौधा, 3 फीट हाइट में आप देख सकते हैं, आपको मिल रहा है 200 रुपए का। 200 रुपए। क्या आपने किसी नर्सरी में 200 रुपए का चाइना 3 लीची का पौधा देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके पास क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास ये आलूचा रखा हुआ है। आलूचा जी, देख सकते हैं, आलूचा रखा हुआ है। ये नाशपाती रखी हुई है। ये कुमकांड नींबू रखा हुआ है। कुमकांड नींबू को जरा उठा के, हाँ मैं दिखाता हूँ, कुमकांड नींबू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुमकांड नींबू। जी, ये देखिए कुमकांड नींबू, फल लगे हुए। हाँ, फल लगा हुआ है। कितने रुपए का पौधा है? ये मात्र 120 रुपए का। 120 रुपए का मात्र, केवल 120 रुपए। 120 रुपए। कितने रुपए का कैंची पॉलीथिन में लगा हुआ? ये कम से कम 10-10 की पॉलीबैग में लगा हुआ है। 10x10 की पॉलीथिन में लगा हुआ है पौधा। पौधा स्वस्थ है। अब और क्या चीज है आपके पास? उसके बाद में आपको, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि नर्सरी पे आप जाते हैं घूमते हैं पर आप रेट नहीं बताते, तो मैं इसीलिए रेट के साथ में आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको भी पता होता रहे। अभी बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए, वीडियो में बने रहेंगे तभी मैं बहुत सी चीजें आपको दिखाऊंगा। इसके बाद क्या है? उसके बाद मैं आपको मैंगो की वैरायटी दिखाने वाला हूँ। मैंगो का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि मैंगो कलेक्शन में हमारे पास बड़ा बड़ा लगा हुआ है। जी, बड़े हाइट में ये सब वैरायटियां हैं। जी, और ये सब ग्रो बैग में लगा हुआ? हाँ, ये सब ग्रो बैग में लगा हुआ। देखिए सब, इस समय मैं आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको,
कि बरसात में तो आप जो है ना वो जो बोरी में पौधे होते हैं उनको आप बरसात में लगाते हैं, पर आप सोचते हैं कि सीजन जा चुका है, अब आम का पौधा कैसे लगाएं, तो आप जो ग्रो बैग के अंदर पॉलीथीन के अंदर जो पौधा होता है उसको केवल मई जून के महीने छोड़ के आप 10 महीने आप लगा सकते हैं। जो ये पॉलीथीन के अंदर है ये बिल्कुल तैयार रेडी पौधा होता है। तो इस पौधे को देखिए जरा, ये कौन सी वैरायटी है? ये भास्त्रा वैरायटी, भास्त्रा मैंगो। देखिए ये भास्त्रा कितने रुपए का भास्त्रा है? भास्त्रा ये है 600 रुपए का। 600 रुपए का? हाँ सर। छोटा ब्रांच का पौधा है ये, कम से कम इसमें 12 ब्रांचेस मतलब है। 12 ब्रांच का पौधा देखिए भास्त्रा मैंगो का। और कितने इंची पॉली बैग में लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 14x14 के। खैर ये पौधा काफी बड़ा है, इसका ग्रो बैग काफी बड़ा है। ये क्या ऑनलाइन चला जाएगा? ये ऑनलाइन नहीं जा पाएगा। हाँ, क्योंकि इसका वेट हो जाने से कस्टमर पर ज्यादा असर पड़ेगा। भाई वेट इसका हो रहा है कम से कम, इसका 10 किलो के ऊपर वेट होगा। हाँ, कम से कम 12 किलो वेट होगा। 800 रुपए तो इसका कोरियर ही हो जाएगा, कोरियर चार्ज हो जाएगा इसका। हाँ, तो वाकई में इसको इसको अगर लेना होगा तो आपको नर्सरी में ही विजिट करना होगा, तभी ये पौधा जा पाएगा। कस्टमर को यही लगेगा कि भाई अब पेड़ से ज्यादा तो इसका कोरियर चार्ज लग रहा है इसका। बिल्कुल। और आपके पास क्या है उसमें? बल्कि जो वैरायटी लगी हुई है इसमें देखिए मलका लगा हुआ है। ये मलका है जी। इसके बाद इसमें अमरपाली है जी, उसके बाद बम्बैया है। अमरपाली का कितने रुपए का पौधा जरा दिखाइए। अमरपाली का हमारे पास आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ मैं आपको जी। मात्र ये देखिए जी, ये स्टार्टिंग हमारे पास है 100 रुपए का जी। 100 रुपए का स्टार्टिंग हमारे पास। 100 रुपए का? 100 रुपए का आम्रपाली का पौधा 4 फीट की हाइट में। 4 फीट की हाइट में? 4 फीट की हाइट में। देखिए, देख लीजिए आम्रपाली का पौधा 100 रुपए में केवल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो और आपके पास क्या है? उसके बाद हमारे पास आपको और दिखाएं आपको, जैसे कि हमारे पास इधर वैरायटी लगी हुई है, रामकेला लगा हुआ है जी। रामकेला तो ये अचार वाला पौधा है ना? हाँ बिल्कुल, मगर इसके लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। अच्छा, अचार के लिए भी? अच्छा। भाई लेट वैरायटी मिलती नहीं है जी। देखिए लेट वैरायटी मिलती है, इसके पॉली बैग में मिल जाएंगे हमारे। अच्छा, पास पॉली बैग में मिल जाएंगे। हाँ, मगर पौधा हमारे पास शिफ्टेड प्लांट है पूरा जी 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 जी, मजबूत है पर शिफ्टेड प्लांट है हमारा जी, जी। और ब्रांचेस में, जैसे लोगों को ब्रांचेस में चाहिए ना जी, तो इनके ब्रांचेस में मिलेंगे प्लांट आपको। जी 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 जी। और आप दिखाइए, तो मैंगो आप दिखा रहे हैं और मैंगो में और यूनिक वैरायटी दिखाइए जरा, मैंगो में जरा यूनिक वैरायटी। हां, यूनिक वैरायटी मैंगो वैरायटी दिखाता हूं। आइए, ये तो सभी दिखाते हैं, सब क्या मिल जाते हैं जी जी बिल्कुल। हमें आप यूनिक वैरायटी दिखाइए मैंगो में। आइए। हां, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में एडिट नहीं करता, किसी भी तरह की एडिटिंग मेरी। मैं जब सुपर नर्सरी पर वीडियो बना रहा था तो उसी टाइम मेरे एक सब्सक्राइबर भाई मेरे को मिल गए। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर। अच्छा, तो ये क्या चीज़ लेने आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर तमाम तरीके के एग्जॉटिक फ्रूट के पौधे लेने आया हूँ, जैसे लोकाट हो गया जी, लंगून हो गया जी, और मिरेकल फ्रूट हो गया जी। इस तरीके के एग्जॉटिक बहुत ही रेयर वैरायटी के फ्रूट लेने आया हूँ जी। तो आपने कैसे इस नर्सरी का पता लगाया? सर आपके वीडियो के द्वारा मुझे इस नर्सरी का पता चला जी। और नदीम साहब यहाँ के ओनर हैं जी, बहुत ही नेक व्यक्ति हैं जी, और बहुत ही अच्छा इनका प्राइस पॉइंट है बाकी मार्केट के हिसाब से। मलिहाबाद के अंदर जैसे पौधे इनके पास से आप पहले भी कभी ले जा चुके हैं कि पहली बार ले जा रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारा पहली बार है जी। और जैसा इन्होंने मुझे रेट दिया है और जिस तरीके के पौधे दिए हैं, इससे ये साबित होता है कि आगे भी हम बने रहेंगे इनसे, बने रहेंगे। दोबारा अगर आप मलिहाबाद के अंदर आएंगे तो क्या इस नर्सरी में दोबारा भी पौधे ले सकेंगे? 100% लेंगे, और आप सभी को सलाह देंगे कि इन्हीं के पास आएं जी। एकदम जेन्युइनिटी की गारंटी है जी। और जिस तरीके के इनके पास पौधे हैं बहुत ही रेयर, शायद ही किसी के पास हो। मलिहाबाद के अंदर ऐसे पौधे नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल, एग्जॉटिक फ्रूट की अगर बात करी जाए तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है सर का। रेट कैसा है इनका? बहुत ही बढ़िया, एकदम जेन्युइन रेट है, जेन्युइन प्लांट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में आने के लिए। अब जो है ना, आप बताइए नदीम जी। जी देखिए, हम आपको स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आया है जी, मैं दिखाता हूँ मियाज़ाकी का। मियाज़ाकी? हाँ, देखिए मियाज़ाकी का प्लांट कितना हैवी है जी, और कम से कम 12x12 पॉली बैग में है। 12x12 के बैग में? हाँ, मियाज़ाकी का पौधा। मियाज़ाकी का पौधा 100% ओरिजिनल? ओरिजिनल 100% मिलेगा। कितने रुपए का पौधा? ये मात्र 800 रुपए का। 800 रुपए का इतना बड़ा पौधा? 800 रुपए का मात्र इतना बड़ा पौधा मिलेगा। अच्छा, इससे बड़ा ही पौधा आपके पास है क्या? इससे भी बड़ा पौधा आपको कम से कम आपको नेक्स्ट टाइम पर 15 दिन के बाद से आपको वो भी मिलेगा, ब्रांचेस भी मिलेगा। वो आपके क्या बाग में लगे हुए हैं क्या? बाग में भी लगे हुए हैं, प्लस हमारे पास वो पौधे तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के बाद जी मैं आपको इस टाइप के लाना स्टार्ट करूंगा, इस टाइप के, जैसे ये लगा हुआ हमारे पास। अरे ये पौधा नहीं तो आप तो बिल्कुल पेड़ ले आए। ये है पेड़, देखिए स्वीट कैटिमोन है ये। देखिए ये स्वीट कैटिमोन? ये स्वीट कैटिमोन है, देख लीजिए भाई। ये पौधा नहीं, ये पेड़ बेच रहे हैं, और कितना बड़ा पौधा देखिए, स्वीट कैटिमोन का। और बिल्कुल इसका जरा तना देख लीजिए आप, पास से देख लीजिए,
और इस हमें तो ऐसा लगता है इसी साल इसमें अभी अगले महीने इसके अंदर बौर आ जाएगा। काटीमोन ऑल टाइम वैरायटी होता है तो बिल्कुल 100% इसमें बौर आ जाएगा। इतना मोटा पौधा तो खैर अभी तक मैंने भी किसी नर्सरी के अंदर नहीं देखा है। और ये कौन सा पौधा है? ये भी स्वीट काटीमोन है। ये भी स्वीट काटीमोन। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें कम से कम किसी किसी में दो दो फल लगे थे। अच्छा, अभी तक फल लगे थे इसमें, निकले थे। यहाँ पर कस्टमर को जो अच्छा लगता है वो तोड़ लेता है, जैसे अच्छा लगा जी। तो इसमें भी कुछ पीले पड़े गिर गए, अभी भी बौर भी लगे थे, अभी उसमें कुछ में बौर लगे थे। अच्छा, अभी तक की इनमें फ्रूट, मतलब ये वैरायटी जो है बारहमासी है। अच्छा, ऑल टाइम वैरायटी, मतलब इसको दो बार तो ये फल रही है। अच्छा, अगर इसको वक्त मिल जाए तो ये तीन बार निकालेगा। ये तीन बार भी निकाल देता है, तीन बार निकाल अच्छी हो जाए। हाँ, ये वैरायटी, और इसके हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा, हमारे पास ये 100 पीस है, जिससे हमारे पास कस्टमर इतनी डिमांड है बड़े पौधों की ब्रांचेस में जी। इस तरीके से स्टम में मजबूत ब्रांचों में जी जी जी, तो हम जितने भी पौधे हमारे पास, चाहे मियाज़ाकी का हो, चाहे वो स्वीट काटीमोन का हो, जितनी भी थाईलैंड की वैरायटी चाहे वहाँ की हो जी, तो सब हमारे पास ब्रांचेस मिलेंगे, मोटे। अच्छा, मिलेंगे। ये पौधा क्या ऑनलाइन चला जाएगा? देखिए, ऑनलाइन तो भेजने में मैं भेज दूंगा जी, मगर इसका वेट के हिसाब से हमें लगता है कम से कम 15 किलो के ऊपर वेट हो जाएगा। 15 किलो का वेट हो जाएगा उसका, 15 किलो का वेट ही लगभग 1500 रुपए के अलावा 1200-1500 रुपए वेट ही हो जाएगा, कोरियर ही हो जाएगा। जी जी जी। ये पौधा वैसे कोई यहाँ आके लेगा तो कितने रुपए का? ये अगर यहाँ पर कोई पौधा लेता है हमारे पास आके, तो ये इसका रेट जो हमारे पास है, देखिए पौधे का हाइट में मत जाइएगा, बौनी वैरायटी है जी, बौनी प्रजाति। इसका कितना साल पुराना पौधा है? मोटाई कितने साल पुराना है ये पौधा? ये कम से कम 4 साल पुराना पौधा, 4 साल पुराना, 4 साल पुराना। देख सकते हैं इसको, देखिए जी, इसको देखिए, इस तरीके देखिए जी जी जी, बिल्कुल वो तो दिखाई दे रहा है कि ये पौधा नहीं, पेड़ है बिल्कुल। इसका 1500 का रेंज है, 1500 मात्र, बस मात्र 1500 रुपए का। भाई मेरे लिए एक पौधा निकाल देना, मैं इस पौधे को जरूर ले जाऊंगा। बिल्कुल, मैं आपके लिए दो पौधे रखूंगा आपके लिए। जी जी जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके पास क्या है? चलिए मैं आपको कुछ और वैरायटी दिखाता हूँ जी। आइए, ये देखिए हमारे पास और भी, जैसे हमारे पास वैरायटी है जी। ये हमारे पास है, हाँ, ब्रुनेई किंग। ब्रुनेई किंग, हाँ, ब्रुनेई किंग दे सकते हैं। कम से कम ये साइज इसका होगा जी 5-6 फीट की हाइट में, 6 फीट की हाइट, हाँ 6 फीट की हाइट में हमारे पास है जी। ये है बनाना मैंगो जी, बनाना मैंगो देख सकते हैं कितने ब्रांचेस में हमारे पास है जी जी जी। हालांकि हमारे पास सिंगल पीस छोटा पीस भी मिलेगा आपको जी, जिस कस्टमर को सस्ता भी चाहिए वो सस्ता भी मिल जाएगा जी जी, जी। जो इस तरीके से मजबूत 2-3 साल पुराने ब्रांचेस वाले चाहिए उनका रेंज अलग हो जाता है जी, वो कस्टमर को जिसको पसंद है जी जी जी। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि हमारे पास बनाना है जी, और ये बनाना मैंगो देख सकते हैं कितना हैवी है हमारे जी, पास जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हेल्दी। और ताइवान रेड ताइवान मैंगो जी, देखिए रेड ताइवान मैंगो, रेड ताइवान, ये रेड तो ताइवान वैरायटी को दिखाई दे रहे हैं जी, ताइवान, बिल्कुल बिल्कुल। रेड ताइवान अमरूद तो मैंने सुना था, आज पहली बार आप दिखा रहे हैं रेड ताइवान मैंगो। ये देखिए, ये BN7 मैंगो है, BN7 जी। अमरूद भी तो सुना था मैंने BN7, पर आज आप आम दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। कैसा फल होता है इसका? इनका जो फल होता है रेड ताइवान मैंगो का, ये बिल्कुल सेम कॉपी करता है मियाज़ाकी का। अच्छा, हाँ, अगर उसका फ्रूट रख दिया जाए और मियाज़ाकी का फ्रूट रख दिया जाए, ताइवान का रख दिया जाए, तो एक जैसा लगेगा? जल्दी कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, पहचान नहीं, हाँ, पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कितने रुपए का पौधा है? ये मात्र 700 रुपए का है, 700 रुपए का, मात्र 700 रुपए का पौधा, ब्रांच वाला पौधा, ब्रांच वाला पौधा, देख सकते हैं इस तरीके से जी, समझ गया इतना। हाँ, ये कितने दिन पुराना पौधा है? ये कम से कम 2 साल पुराने पौधे, 2 साल 2.5 साल पुराने पौधे, जितने भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगा हुआ है इसमें, चाहे वो किंग ऑफ चक्कापत हो, चाहे महाचनक हो, चाहे आपका नूरजहां हो जी, और चाहे आपका हमारे पास जैसे क्यूजा मैंगो हो जी, और चाहे वो 3 टेस्ट मैंगो हो, 4 kg मैंगो हो जी, वो जितने भी हमारे पास आपको मिलेंगे इस तरीके से। देखिए 3 टेस्ट मैंगो, देखिए जी 3 टेस्ट, हाँ, कितना ब्रांचेस में हमारे पास हो, कितना बड़ा पौधा है जी 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 जी। इस तरीके से पौधे आपको बढ़िया से मिलेंगे हमारे पास, और जेन्युइन ओरिजिनल वैरायटी मिलेगी जी जी जी, मतलब कोई ऐसा वैरायटी नहीं है कि आपको बैग बिना टैग के लगा हुआ हमारे जी, पास जी, सारा जी, टैग में लगा हुआ वैरायटी है जी। बाकी ये देख सकते हैं सिंगल वैरायटी जो रखी हुई है जी, बाकी उधर वाल भी आप देख सकते हैं कुछ ब्रांचेस में किंग ऑफ चक्कापत वगैरह भी रखे हुए हैं। अच्छा, तो ब्रांचेस में है जी जी। और आपके पास क्या चीज है? उसके बाद तो मैंगो का कलेक्शन हमारे पास आपका ये हो गया। बाकी इंडियन वैरायटी में हमारे पास आपको जी अंबिका, सेंसेशन, टॉमी एटकिन जी। और अच्छा, शुरुआती दौर में आपके पास अंबिका का पौधा और अरुणिका का पौधा कितने रुपए का मिलेगा? शुरुआती में हमारे पास आपको शुरुआत जो नए किले आजकल लोग बेच रहे हैं, जो कि एकदम नई ग्राफ्टिंग का पौधा है, वो कितने रुपए का? मात्र 200 रुपए का, 200 रुपए, मात्र 200 रुपए का, 200 रुपए का जी। जो नई ग्राफ्टिंग का नई ग्राफ्टिंग का पौधा होगा अरुणिका मैंगो, अरुणिका मैंगो का। अच्छा, और आप दिखाइए। उसके बाद आपको मैं कुछ मैंगो के अलावा मैं कुछ दिखाऊं आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। जैसे मैं आपको, आइए दिखाता हूँ,
ये देखिए, ये मैकेडेमिया का प्लांट हमारे पास आ चुका है, एक नई वैरायटी है जी। क्या नाम बताया इसका? मैकेडेमिया। हाँ, मैकेडेमिया का जी। ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हालांकि फ्रूट्स की वैरायटी है कोई जी, और ये काजू और बादाम से ज्यादा इसको लोग पसंद कर रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ। ये गमले में हो जाएगा? ये गमले में तो खैर अभी नहीं लगाया है। अच्छा, मगर आप ये चाहें तो बड़े गमले पॉट में लगा सकते हैं इसको जी। उसके कितने रुपए का पौधा है ये? मात्र 350 रुपए का। 350 रुपए का पौधा है। उसके बाद आपको मैं मिरेकल दिखाता हूँ, छोटा सा साइज मिरेकल है, ये देख सकते हैं मिरेकल फ्रूट। हाँ, मिरेकल फ्रूट बहुत शानदार वैरायटी है जी। ये कितने रुपए का पौधा है मिरेकल का? मात्र 300 रुपए का। 300 रुपए? मात्र 300 रुपए का जी 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 जी। उसके बाद मैं दिखाऊँ आपको, ये हमारे पास है कैट फ्रूट। कौन सा फ्रूट? कैट फ्रूट। कैट फ्रूट, हाँ, ये कैट फ्रूट देखिए जी। हम कम से कम, हमारे पास ये 3 बार शिफ्ट हमारे पास आ चुका है जी, और इतनी डिमांड इसकी है जी कि बहुत अच्छी वैरायटी है। छोटा बुशी बन जाता है, पूरा फ्लावर से फल, छोटे छोटे फल होते हैं जी, वाइट वाइट टाइप के होते हैं, पूरा भर जाता है जी जी जी। कितने रुपए का पौधा? ये मात्र 350 रुपए। 350 रुपए का। ये अपने आगे क्लाइमेट में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब से मैं लाया हूँ, कितने कस्टमर इसको ले जा के लगा लिया है, फ्रूटिंग दे चुका है, फ्रूटिंग भी उसको शेयर कर दिया है जी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ जी, जैसा कि रेट, उसके बाद हमारे पास रूबी लॉन्गन की वैरायटी मैंने दिखाई थी आपको जी। ये रूबी लॉन्गन है देखिए जी, ये रूबी लॉन्गन है। कितने इंच पॉली बैग में है रूबी लॉन्गन? ये कम से कम 10x10। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ दिन पहले इसमें फ्लावर आया भी था, फ्रूट भी बैठा था, फ्रूट भी लगा था। फ्रूट भी लगा हुआ? बिल्कुल फ्रूट भी लगा हुआ था जी 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 जी। तो आपको मतलब जो भी रहेंगे इसमें कम से कम फ्रूट भी लगा हुआ होगा इसमें जी। उसके बाद आपके पास हमारे पास एक पिलसन की एक वैरायटी है। कौन सी वैरायटी? पिलसन। अच्छा, हाँ, इसमें जो फल होगा जी, ये लहसुन तरह फल होता है, बिल्कुल लहसुन की तरह, प्याज के तरीके से, प्याज की तरह से। हाँ, अच्छा अच्छा। और बहुत शानदार वैरायटी है, लोग इसको डिमांड अभी है, डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, जिसका इसके बारे में पता है वो डिमांड करते हैं। अच्छा, वो हमारे पास से ले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और चाहे तो ऑनलाइन आराम से हमारे से मंगा सकते हैं। ये कितने रुपए का पौधा है? ये 600 रुपए का मात्र। आपने हमको बहुत सारी वैरायटी दिखाई, अमरूद की कौन कौन सी वैरायटी आपके पास? अमरूद की वैरायटी में दिखाने वाला हूँ आपको, देखिए हमारे पास आपको दो वैरायटी दिखाने वाला हूँ। एक तो हमारे पास आ चुकी है ब्लैक डायमंड, और ये हमारे पास वेरिकेटेड गुआवा। वेरिकेटेड गुआवा? हाँ, ये तो मैंने अभी तक बहुत सारी नर्सरियों में मैं घूमा हूँ, मैंने मौसमी वेरिकेटेड देखी है और आम वेरिकेटेड देखा है, पर अमरूद आज पहली बार दिख रहा है, वेरिकेटेड अमरूद। देखिए वेरिकेटेड गुआवा देख लीजिए आप लोग भी, इसलिए मैं पत्तियां दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कोई वो नहीं है। कितने रुपए का पौधा? ये मात्र 200 रुपए का। और इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कैसी होती है? अभी से स्टार्टिंग हो जाएगा, एक साल से स्टार्टिंग हो जाएगा। फल क्या साइज का आता है? फल साइज इसका जो आएगा मात्र जितना बड़ा नॉर्मली होता है जी, उतना बड़ा आपको 300 ग्राम 250 ग्राम का निकलेगा इसका। अच्छा, स्वाद कैसा है? स्वाद अच्छा होता है, अच्छा बढ़िया होता है। अच्छा अच्छा, ये कौन सा है? ये आपका ब्लैक डायमंड है। ब्लैक डायमंड। वाह, क्या ब्लैक डायमंड इसका हमारे पास आ चुके हैं, और मदर भी मैं लगा चुका हूँ जी, और नेक्स्ट टाइम आपको इसके सस्ते प्लांट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अभी हालांकि महंगा अच्छा, है। जब आप इसका मदर से तैयार करेंगे तो सस्ते हो जाएंगे? हाँ, सस्ते हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये क्या महंगा प्लांट? अभी महंगा है, अभी मात्र कम से कम 600 रुपए का पीस है। 600 रुपए का? 600 रुपए। तब भी ये सस्ता है? हाँ, 600 रुपए का अगर आप दे रहे हैं ब्लैक डायमंड गोवा, तो ये सस्ता है, क्योंकि मैंने बंगाल की नर्सरी से मैंने खुद ये 1200 रुपए का पौधा मंगा कर लगाया हुआ। 1200 का है। इसकी 3 वैरायटी है जी, 3 वैरायटी है आपको बता दें, इसमें 3 वैरायटी है जी। जो एक 1500 रुपए की वैरायटी है जी, वो कस्टमर को अगर ब्लैक डायमंड में दे दूं जी, तो वो नहीं ले पाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा। इसकी नॉर्मली दूसरी वैरायटी है ये जी, तो ये जो है ये कम रेट में है, ये आधे रेट पर है। ये आधे रेट पे? हाँ, और जो इससे मतलब इसमें ब्लैक डायमंड गुआवा में भी 3 वैरायटी है? 3 वैरायटी है। ये बात, ओरिजिनल भी आपको दिखाऊंगा मैं, वो भी रखा हूँ हमारे पास। चलिए पहले हमको वही दिखाइए। मैं सबसे पहले वही दिखाता हूँ आपको जी जी जी। आइए मैं देखते दिखाता हूँ। चलिए 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 देखते हैं। देखिए इनकी नर्सरी में किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो चीज हम पूछते हैं वही चीज कहते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदर नर्सरी में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कहेंगे ये चीज खत्म हो गई है मेरे पास, मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा। पर यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि मैं आपको वो भी वैरायटी दिखाता हूँ जो कि महंगी वैरायटी है, रेड डायमंड गुआवा की, सॉरी ब्लैक डायमंड गुआवा। ये देखिए जी, ये देखिए, ये असली वैरायटी है ब्लैक डायमंड की, क्योंकि पत्ते से ही इसकी पहचान होती ये है। देखिए इसका पत्ता देख लीजिए आप लोग, कितना ये आप पहचानना है आपको, इसका पत्ता बहुत चौड़ा होता है, जैसे कि हमारा रेड डायमंड गुआवा आता है जितना चौड़ा पत्ता उसका होता है, बिल्कुल उसी तरह इसका भी चौड़ा पत्ता है, देख लीजिए। ये असली पौधा है। ये कितने रुपए का पौधा है? ये मात्र 1500 रुपए का। 1500 रुपए का, देखिए। अच्छा ये बताइए, इस पौधे को आपने पहले क्यों नहीं दिखाया, छुपा के क्यों रखा था? इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि जब मैं कस्टमर यहाँ पर आता हमारे पास जी, तो मैं उसको जब वो मेरे जैसे कि कोई जब लवर होता है, जैसे रेड डायमंड का लवर है, ब्लैक डायमंड का है जी,
तब वो मुझसे पूछता आके भाई कि ब्लैक डायमंड मेरे को ओरिजिनल वैरायटी चाहिए मेरे को। अच्छा, तो मैं उसको ये बताता हूँ कि वो 1600-1700 की वैरायटी लमसम में है जी। तो आप अगर लेना चाहें तो नॉर्मली उसी की सेम वैरायटी, जैसे कि अभी आपको कुछ जैसे कि जूते में आती हैं वैरायटियाँ बहुत सी आती हैं कि आपका सेकंड शूज मिल जाएंगे आपको, उस टाइप की इसकी वैरायटी जो आई हुई है ब्लैक डायमंड की ओरिजिनल सेम, उसी पत्ती सेम होती है, फ्रूट भी इसका उतना ही बड़ा होता है, मगर ये रहता है कि इसका फ्रूट जो रहेगा उसमें बहुत फर्क रहेगा। नहीं नहीं, पत्तियों में भी अंतर है, पत्तियों में भी अंतर है, पत्तियों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो आपको रियलिटी जब देखेगा तो पहचान जाएगा। जी जी जी, जिसको नहीं पता है तो वो ब्लैक डायमंड उसको समझ के काला अमरूद को ही रख लेगा वो। जी 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 जी, इसके अभी इसके तीन और पौधे आपको मिलेंगे जिसके आपको मैंने ब्लैक डायमंड दिखाया है, चौड़े पत्ता इसी तरह होता है, फिर उससे हल्के पत्ते में आती है। जी जी जी, तो थर्ड वैरायटी है जो 350 रुपए पड़ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद और एक आता है जो यहाँ का तैयार होता है हमारे काला। जी जी, तो वो आता है जो अपना लोकल वाला काला अमरूद आता है, काला वाला लोकल वाला अमरूद आता है। जी जी जी, देखिए इनकी नर्सरी पे मैं देख रहा हूँ कि काफी कस्टमर भी यहाँ पर देखिए खरीदारी के लिए आए हुए हैं, और ये आप देख लीजिए सुपर नर्सरी का बोर्ड, और काफी लोग इनके यहाँ पे। अब आपके पास ऐसी और कौन सी वैरायटी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सूरज इधर दिखा दूँ आपको, सूरज इधर ढलने वाला है लगभग और अंधेरा भी होने वाला है। मैं आगे आपको इनका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी वैरायटी दिखाऊंगा। तो आपके पास और कौन कौन सी वैरायटी है? सर अभी हमारे पास बहुत सा कलेक्शन हमारे पास है, ऐसी जो वैरायटी है जैसे कि अभी हमने आपको थाई वाटर एप्पल की वैरायटी दिखाऊं तो कम से कम उसमें 7 वैरायटी हमारे पास। 7 वैरायटी। अगर मैं जामुन की वैरायटी दिखाऊं तो उसमें 5 वैरायटी हमारे पास जी। अभी मैं नींबू की वैरायटी दिखाऊं तो उसमें 6-7 वैरायटी हमारे पास जी। अभी मैं कलेक्शन अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा टीजर दिखाया हूँ जी जी जी। अभी हमारे पास कम से कम 70-80 वैरायटी ऐसी हैं जो आप समझ लीजिए कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी। जी 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 जी, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको उस वैरायटी को दिखाऊंगा जो हमारे पास वैरायटियां जो और भी हमारे पास कलेक्शन है जी। आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारा कलेक्शन लगा हुआ है जी जी जी, चाहे वो मैंगो का कलेक्शन हो चाहे वो फ्रूट्स का कलेक्शन हो, सबकी वैरायटियां अलग अलग हमारे पास लगी हुई। जी 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 जी, तो आगे मैं जो है ना वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा कि इनके पास और कौन सी वैरायटी है। जब आप कमेंट करेंगे कि राजू जी इनके नर्सरी में जाइए और दूसरा वीडियो बनाइए जिसमें कि इनकी वैरायटी रह गई, अभी मैं इनकी पूरी नर्सरी नहीं दिखा पाया हूँ इसलिए आगे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।